हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वह स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 31 क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट किए थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 32 क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली के चित्रों का प्रधान विषय क्या रहा है? मारवाड़ शैली के चित्रों का प्रधान विषय क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर है कि यह जो थीम है इसकी वो क्या थी? प्रेम आख्यान पर आधारित। मारवाड़ शैली के चित्रों का प्रधान विषय प्रेम आख्यान रहा है। 33 क्वेश्चन है, मारवाड़ की चित्रकला चरमोत्कर्ष पर किसके शासन काल में रही? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ की चित्रकला हो, मारवाड़ की चित्रकला हो, देवगढ़ चित्रकला हो, तो यहाँ सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने वाले, सबसे अधिक विकास जो है वो किसके शासन काल में रहा, ये चीजें याद रहनी बहुत जरूरी है। तो मारवाड़ की चित्रकला जो है वो सबसे चरमोत्कर्ष पर रही महाराणा मान सिंह के समय। महाराणा मानसिंह के समय के प्रमुख चित्रकार हैं कौन कौन हैं? अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी और सेवादास। तो ऐसे भाटी के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, इसके अलावा शंकर दास, माधव दास और सेवादास। खंजन पक्षी को चित्रों में किस शैली में बखूबी दर्शाया गया है? खंजन पक्षी को किस शैली में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है? तो यह है मारवाड़ शैली जोधपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बीकानेर के राव राय सिंह, ठीक है, राव राय सिंह कहाँ के हैं? बीकानेर के शासक हैं। तो इन्हें मुगल चित्रकला बहुत अधिक भाई थी, इससे प्रभावित होकर ये दो चित्रकारों को अपने साथ लेकर आए थे। तो उनके नाम क्या है? उनके नाम है उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ठीक है, उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। ये दोनों चित्रकार जो हैं ये मुगल चित्रकारी बनाने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। इनको लेकर कौन आए? राव राय सिंह, जो कि बीकानेर के थे। राव राय सिंह के समय चित्रित किसमें बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? राव राय सिंह के समय किसमें बीकानेरी शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भागवत पुराण में। भागवत पुराण में बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर शैली में किन दो परिवार राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त थे? तो वो दो परिवार जो कि बीकानेर शैली के अंतर्गत राजस्थानी चित्र बनाने में सिद्धस्त थे। तो देखिए, याद रखना है, एक तो था मथेरण परिवार और दूसरा था उस्ता परिवार। एक तो था मथेरण परिवार और दूसरा था उस्ता परिवार। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण कौन सी कला कहलाती है? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण जो कर दिया जाता है तो ये कला क्या कहलाती है? ये कहलाती है उस्ता कला। क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। मथेरण परिवार और परिवार के कलाकारों को यहां पर देखिए, उस्ता परिवार जो है वह थोड़ा मिस हो गया है। मथेरण परिवार और उस्ता परिवार के कलाकारों को सम्मानजनक स्थान किस मुगल बादशाह ने दिया? तो यह दिया अकबर ने। अकबर ने मथेरण परिवार को और उस्ता परिवार के कलाकारों को सम्मानजनक स्थान जो है वह दिया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप, बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के समय आया। देखिए, प्रारंभ जो हमने देखा कि बीकानेर शैली का राव राय सिंह के समय आया था, उसके बाद इसका जो विशुद्ध रूप है वह अनूप सिंह के समय आया। तो इस समय प्रमुख कलाकार कौन थे? अनूप सिंह के समय कलाकार थे रामलाल, अली रजा और हसन। रामलाल, अली रजा और हसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किसका समय किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका समय जो है वह किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा सावंत सिंह के समय। किशनगढ़ शैली जो है राजा सावंत सिंह के समय जो है वह चरमोत्कर्ष पर रही, इसीलिए इनके समय को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला में। नेक्स्ट है 43, सावंत सिंह का उपनाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, सावंत सिंह का उपनाम जो है वह नागरी दास था। क्या था? नागरी दास था।
नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, बनी ठंडी को किसने भारत की मोनालिसा कहा? तो यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप लोगों को याद होगा। बनी ठंडी को किसने भारत की मोनालिसा कहा है? तो यह कहा है एरिक डिकिंसन ने। किसने कहा है भारत की मोनालिसा बनी ठंडी को? यह कहा है एरिक डिकिंसन ने। भारत सरकार ने कब बनी ठणी पर डाक टिकट जारी किया था? भारत सरकार ने बनी ठणी पर डाक टिकट कब जारी किया था? 1973 ईस्वी में, ठीक है। और बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहने वाले एरिक डिकिंसन थे। 46 क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, वहां पर निहाल चंद्र जो है वह चौथे ऑप्शन में था और तीन ऑप्शन जो है वह किसी और शैली का था, ठीक है। तो वहां निहाल चंद आंसर था। तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से थे? नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद्र, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम और लालडीदास। तो इसीलिए हर एक चित्रकार का नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो इन शैली के अंतर्गत आप क्या याद रखेंगे कि किसके समय ये शैली जो है चरमोत्कर्ष पर रही, किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकारी में। दूसरा, इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, चाहे वो मारवाड़ शैली हो, मेवाड़ शैली हो, देवगढ़ शैली हो, नाथद्वारा शैली हो, ठीक है, तो इन सभी की शैलियां जो है इनके प्रमुख चित्रकारों के नाम ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद्र, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम और लालडी दास। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो वह है मूमल। क्वेश्चन 48 है, जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी, जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का व्यक्ति चित्र जो है वह किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो यह है अजमेर शैली का सुंदर उदाहरण, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म इन सभी को सम्मान मिला। क्वेश्चन 49 है, वृद्धावस्था चित्रों को कहां के चित्रकारों ने चित्रित किया? वृद्धावस्था चित्रों को कहां के चित्रकारों ने चित्रित किया? तो यह नागौर के चित्रकारों ने चित्रित किया। अगला है 50 क्वेश्चन, जैसलमेर शैली का विकास किनके संरक्षण में हुआ? जैसलमेर शैली का विकास किनके संरक्षण में हुआ? तो यह महारावल हरराज, अखय सिंह और मूलराज। महारावल हरराज, अखय सिंह और मूलराज, इनके संरक्षण में जैसलमेर शैली का विकास हुआ। वहीं हमने अभी देखा कि जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा था? मूमल। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, किस शासक ने रंग महल बनवाया जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किस शासक ने रंग महल बनवाया जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह है राव छत्रसाल। चित्रकला का निर्माण किसके समय हुआ? चित्रकला का निर्माण, देखिए यहाँ पर चित्रकला नहीं है, यहाँ पर है चित्रशाला, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सही करिएगा। ये क्या है? चित्रशाला। चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ? राव उम्मेद सिंह के समय में चित्रशाला का निर्माण हुआ। राव उम्मेद सिंह के समय में चित्रशाला का निर्माण हुआ, जहां पर चित्र जो है वह बनाए जाते थे। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, राव उम्मेद सिंह का कौन सा चित्र 1750 ईस्वी में प्रसिद्ध रहा? तो राव उम्मेद सिंह का वह कौन सा चित्र था जो 1750 ईस्वी में प्रसिद्ध रहा? वह था कि राव उम्मेद सिंह द्वारा जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया था। तो यह चित्र जो है वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पर याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख चित्रकार जो हैं वो तो आपको याद ही रखने हैं। तो बूंदी शैली के जो चित्रकार थे वो थे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम। क्वेश्चन 55 है, कोटा चित्रशैली के अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? कोटा चित्रशैली के अस्तित्व स्थापित करने का किसने स्थापित किया? तो इसका श्रेय जाता है
महाराव राम सिंह को। महाराव राम सिंह के समय कोटा चित्र शैली जो है वह उभर कर आई। 56 क्वेश्चन है, कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे हमने अभी देखा बूंदी शैली के चित्रकार सुरजन, अहमद अली, श्री कृष्ण, रामलाल, साधु राम। उसी तरीके से कोटा चित्र शैली के चित्रकार हैं रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद। ठीक है, तो कोटा शैली और बूंदी शैली के चित्रकारों के नाम जो है वो कुछ एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनको अलग रखिएगा। बूंदी शैली के चित्रकार थे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। वहीं कोटा चित्र शैली के हैं रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर और मोहम्मद। तो यहां तक हमने क्वेश्चन जो है वह किए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम यहां से आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, देखिएगा। नहीं याद होते हैं तो इनको लिख लिख कर देखिएगा, यहां से क्वेश्चन जो है वो आता ही है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।